Namaste everyone, this is Sachin Saurabh here. I welcome you all in this incredibly awesome platform of yours, Aspiration Triggered from Addis Ababa. Friends, if you are new to this YouTube channel, please subscribe my channel for the further updates and don't forget to hit the bell icon to get the further updates and watch the video till the end. So today I'm going to discuss about the current affairs of January month in 2020. एंड इससे पहले मैंने क्या क्या पढ़ा है, इससे पहले मैंने छोटा नागपुर के बारे में पढ़ा चुका हूँ, झारखंड के मैप के बारे में बताया है, यदि आप मेरे वीडियोस नहीं देखे हैं हजारीबाग और रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताया है, यदि आप मेरे वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ गो इन द प्ले लिस्ट एंड आप मेरे सारे वीडियोज को वॉच कर लें। और सब आज का जो करंट अफेयर स्टार्ट कर रहा हूँ उससे पहले मैं एक रामधारी सिंह दिनकर की एक पंक्ति पढ़ना चाहता हूँ, जिसमें उन्होंने कहा है कि आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख, मंदिरों में राजप्रसादों में तहखानों में, देवता तो कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे हैं, देवता मिलेंगे खेतों में और खलिहानों में। मेरा बोलने का तात्पर्य यह था कि आज का क्लास में ये फार्मर सेंट्रिक स्कीम से शुरुआत करने वाला हूँ तो 2020 में गवर्नमेंट ने एक बोनांजा प्रस्तुत किया किसानों के लिए, तो पहली योजना थी प्राइम मिनिस्टर किसान सम्मान निधि योजना। इसके अंतर्गत ₹6,000 विल बी गिवन टू द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, कितने दिए जाएंगे रुपीज एंड बजट ऑफ 2000 करोड़ हैज बीन एलोकेटेड फॉर दिस PMKSNY। एंड द नेक्स्ट स्कीम वाज मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना, अंडर दिस स्कीम ₹5,000 पर एकड़ वुड बी गिवन टू द फार्मर्स अप टू द मैक्सिमम 5 acres ऑफ लैंड, यानी एक एकड़ पे ₹5,000 की राशि दी गई है और इसके लिए कितना फंड एलोकेटेड किया गया है, 3,000 करोड़ का फंड एलोकेटेड किया गया। अब मैं तीसरी योजना के बारे में बात करूँ, वो तीसरी योजना है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। तो ये एक पेंशन योजना है जिसमें कि ₹3,000 का पेंशन दिया जाएगा, कब, 60 इयर्स के एज के बाद। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एज के अनुसार आपकी उम्र के अनुसार किसानों को उनका कंट्रीब्यूशन होगा कि 35 इयर्स का है तो क्या पैसा लगेगा, वैसा कैलकुलेशन आपको बैंक में मिल जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपने मनी जमा कीजिए और फाइनली 60 इयर्स के बाद में ये सम्मान निधि यानी पेंशन लीजिए। अब मैं इसके दूसरे सेगमेंट के बारे में बात करूं तो यूनियन ट्राइबल मिनिस्ट्री ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, जिसके पोर्टफोलियो होल्ड करते हैं अर्जुन मुंडा जो कि खूंटी से सांसद है, इन्होंने जयपाल सिंह मुंडा का जो विलेज है, विलेज का नाम याद रखिएगा टकरा पहान टोली एक गाँव है, कहाँ पे, खूंटी डिस्ट्रिक्ट में, किसका गाँव है, तो यहाँ पे जयपाल सिंह मुंडा इसी गाँव से बिलोंग करते थे, इसको मॉडल विलेज के रूप में डेवलप किया जाएगा, क्यों, टू गिव एन इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, इसको अंतरराष्ट्रीय ख्याति दिलाने के लिए यहाँ का जो उनका जो गांव है जयपाल सिंह मुंडा का टकरा पहानटोली, उसको मॉडल विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा। किसने अनाउंस किया, तो यूनियन ट्राइबल मिनिस्ट्री अर्जुन मुंडा ने अनाउंस किया। अब मैं थोड़ा सा जयपाल सिंह मुंडा के बारे में बता दूं, इनको हम लोग मरांग गोमके के भी नाम से जाना जाता है, यानी बड़े लीडर, ग्रेट लीडर। और ये आदिवासी महासभा जो झारखंड निर्माण सभा की एक महत्वपूर्ण भूमिका थी, इससे पहले भी छोटे छोटे इकाइयां हुई करती थी, किसान महासभा हो, बीट क्रिश्चियन ऑर्गेनाइज, क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन और छोटा नागपुर उन्नति सभा, बट दिस वर नॉट एज मच इफेक्टिव। द फर्स्ट इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन हु ब्रिंग फॉरवर्ड द डिमांड ऑफ द सेपरेट झारखंड, उनका उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था आदिवासी महासभा, और आदिवासी महासभा के सेकेंड प्रेसिडेंट कौन थे, जयपाल सिंह मुंडा। और इन्होंने आजादी के बाद इसी महासभा को एक पार्टी का फॉर्म दिया, पॉलिटिकल विंग का नाम दिया, इसका नाम दिया झारखंड पार्टी। इनके बारे में आपको बता चुका हूँ, फिर भी एक बार और बता देता हूँ, 1928 में नीदरलैंड के कैपिटल एमस्टरडम में जो ओलंपिक हुआ था उसमें इंडिया को इन्होंने गोल्ड मेडल दिया था, ये इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन भी थे। अब मैं न्यू जमशेदपुर के बारे में बात करूं, आज के समय में जमशेदपुर में एक भी सिविल एयरपोर्ट नहीं है, सिर्फ एक एयरपोर्ट है, उसका नाम है सोनारी, और ये टाटा स्टील के द्वारा ऑपरेटेड होता है। लेकिन मैं सिविलियन एयरपोर्ट की बात करूं तो आज के समय में एक भी एयरपोर्ट नहीं है, लोग रांची बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से ही काम चलाते हैं। लेकिन अब जमशेदपुर एरिया में एक नए एयरपोर्ट की बात कही गई है, उसका नाम है धालभूमगढ़ एयरपोर्ट, जो कि 50,000 स्क्वायर फीट टर्मिनल में बनना है, इसको 250 एकर्स में डेवलप किया जाएगा विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ 100 करोड़। तो इसका जो एडवेंचर है ये जॉइंट एडवेंचर है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और झारखंड गवर्नमेंट का, और एक्चुअली प्लान तो किया था 2021, बट मुझे नहीं लगता है कि ये पेंडिंग में 21 में हो पाएगा, तो ऑलमोस्ट आप मान के चलिए कि 2022 में ये स्टार्ट होगा। तो ये एयरपोर्ट कहाँ पर है, धालभूमगढ़ एयरपोर्ट, ये जमशेदपुर से 60 किलोमीटर दूर है। अब आपसे क्वेश्चन, आप सोच सकते हैं कि ये जगह क्यों चिन्हित किया गया, क्योंकि ये जगह आज के समय से नहीं, इट वाज वर्किंग एज ए एयरफील्ड, यानी हवाई पट्टी के रूप में काम कर रहा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई
जब वर्ल्ड वॉर टू हुआ तो ये हवाई पट्टी के रूप में ब्रिटिशर्स इसे यूज कर सकते मतलब किया करते थे, ढालभूमगढ़ एयरफील्ड को। तो इसी एयरफील्ड को आज के समय में एयरपोर्ट में बदल दिया गया है और होप सो इट विल स्टार्ट बाय जनवरी 2020। अब मैं बात करूं झारखंड के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जिनका नाम है हेमंत सोरेन। इन्होंने 22 एक्सक्लूसिव फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की घोषणा की है। एक्चुअली इसलिए आपने देखा होगा अभी रिसेंटली विद द निर्भया केस और एनी अदर केस, वी हैव ए लॉन्ग टाइम टेकिंग प्रोसेस। हमारा जो जुडिशियरी सिस्टम है बहुत अच्छा, लेकिन बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। टू एक्सपेडाइट मतलब जस्टिस में तेजी लाने के लिए रेप विक्टिम्स को या जो भी चिल्ड्रन है जो कि सेक्सुअल ऑफेंसेस को सफर करते हैं उनके लिए, सब अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता है, होना तो नहीं चाहिए, अंडर द पॉस्को एक्ट। एक्चुअली ये पॉस्को एक्ट क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। इस एक्ट के तहत झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने 22 एक्सक्लूसिव फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की घोषणा की है। नंबर याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक और बात मैं कर रहा हूँ सप्लीमेंट्री बजट की। आपको पता होगा कि 29 दिसंबर को नए झारखंड गवर्नमेंट की फॉर्मेशन हुई 2019 में हेमंत सोरेन गवर्नमेंट की। अब ये सप्लीमेंट्री बजट क्या होता है, तो बेसिकली इससे पहले आपको जानना होगा फाइनेंशियल ईयर क्या होता है। फाइनेंशियल ईयर होता है बजटिंग का और फाइनेंसिंग का एक पूरा ईयर, एक पूरे ईयर का उसमें कितना खर्च होगा, कितनी बजटिंग होगी, उस पूरे ईयर को हम लोग फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं या फिर फिस्कल ईयर बोलिए। ये जो फिस्कल ईयर होता है वन ईयर पीरियड होता है दैट फॉर ए कंपनी और ए गवर्नमेंट दैट इज बीइंग यूज्ड फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। बेसिकली इन इंडिया ये कब से स्टार्ट होता है, तो आप सभी को पता होगा ये 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और टिल 31 मार्च तक ये चलता है। ये 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक चलता है। तो अब ये बात है कि अब तो सरकार तो जनवरी में बन गई, तो इन्होंने कुछ उस समय काम चलाने के लिए ताकि जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है उसको गति प्रदान किया जाए जा सके, उसके लिए इन्होंने सप्लीमेंट्री बजट की घोषणा की विधानसभा में मतलब टेबल किया बिल। इसको हम लोग कितने का था, ये 4,210 करोड़ का बजट पे मैं स्पेशल क्लास लाऊंगा आपके लिए। डॉक्टर सत्यप्रकाश ये पहले है कौन, इनके बारे में बताता हूँ मैं थोड़ा सा। ये आईबीसीएन, आईबीसीएन क्या है, इंडियन बर्ड कंजर्वेशन नेटवर्क। मैंने कुछ ही दिन पहले हजारीबाग में आपको बताया था, हजारीबाग में एक ऐसा डैम है जहां पे प्रवासी पक्षियां विंटर सीजन में आती है, स्पेशली गिद्ध। तो कौन सा डैम है ये मुझे आप आंसर में बताएंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो मैं ये बता रहा हूँ इस बार की ये बात है, प्रीवियसली दिस माइग्रेटरी बर्ड्स बीट द हिमालयन वल्चर्स और वल्चर सम अदर बर्ड्स फ्रॉम मंगोलिया, आई मीन फ्रॉम चाइना, अफगानिस्तान, फ्रॉम अदर दिस कंट्री। सम माइग्रेटरी बर्ड्स यूज टू कम इन द मंथ ऑफ दिसंबर, आई मीन इन विंटर सीजन व्हेन द टेम्परेचर इज अराउंड 10 डिग्री सेल्सियस ओनली इन हजारीबाग। बट दिस टाइम फॉर्चुनेटली इन एडिशन टू द हजारीबाग, चौपारण हो, कोडरमा हो, खूटी हो, यहाँ पे भी सारे माइग्रेटरी बर्ड्स देखने को मिले। तो इसके लिए बहुत खुशी की बात है और हमें कोशिश करना पड़ेगा कि इसी तरह से इन्वायरमेंट को प्रिजर्व करें ताकि जो पिक्चरेस्क लोकेशन हो हम लोग उसे विटनेस कर सकें। तो कौन से वल्चर मिले, ये क्वेश्चन आ सकता है, आप ध्यान रखेंगे हिमालयन वल्चर्स कहाँ कहाँ मिले हजारीबाग के अलावा, चौपारण, कोडरमा और खूंटी में। अब मैं बात करता हूँ चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड। ये अवार्ड दिया गया झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को। क्यों दिया गया, तो इनका जो विधानसभा असेंबली है बरहेट और दुमका से जो इस बार चयनित हुए हैं, लास्ट टाइम तो ये दुमका से हार गए थे लुइस मरांडी से, बट दिस टाइम इन्होंने ये दोनों सीट को जीता है। तो इनके विधानसभा में उन्नति कार्य के लिए, अनप्रेसिडेंटेड वर्क के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया। इन्होंने अपने विधानसभा में बहुत ही अच्छा काम किया है। तो इन्हें अवार्ड किसने दिया था, तो फॉर्मर प्रेसिडेंट जो हमारे भारत के हैं प्रणब मुखर्जी, ही हैव कन्फर्ड दिस अवार्ड टू द हेमंत सोरेन एट ए फंक्शन इन द दिल्ली। अब दूसरी बात की करूं इस जमशेदपुर के एमएलए जो कि काफी फॉर्मर एमएलए और बीजेपी, बट ये बहुत चर्चा में रहे क्योंकि इन्होंने उस समय के इंक्यूमेंट चीफ मिनिस्टर रघुवर दास को इलेक्शन में हराया, इन्हें भी एक अवार्ड दिया गया। अभी मैं इस सेक्शन में सम्मान की बात कर रहा हूँ, नेक्स्ट सेक्शन में स्पोर्ट्स लेके आऊंगा पार्ट टू में, और पार्ट थ्री में जो भी पोर्टफोलियो होल्डिंग कर रहे हैं उसके बारे में। 3 मेरा करंट अफेयर्स का क्लास आएगा जनवरी। तो सरयू राय को एक अवार्ड दिया गया है, इन्वायरमेंटल प्रोडक्शन अवार्ड। ये अवार्ड कहाँ दिया गया था, तो इन्हें राजस्थान में दिया गया। सबसे पहले किनके द्वारा दिया गया था, तो अरुण गांधी के द्वारा दिया गया था। अरुण गांधी कौन है, ये महात्मा गांधी के पौत्र हैं, आई मीन ग्रैंड सन ऑफ महात्मा गांधी। और ये अवार्ड इन्हें क्यों दिया गया, तो इन्वायरमेंट में कंट्रीब्यूशन के लिए। तो एक इवेंट किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, इन इवेंट ऑर्गेनाइज किया था एक एनजीओ के द्वारा जिसका नाम था तरुण भारत संघ। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनजीओ हैव बीन ऑर्गेनाइज दिस अवार्ड और कन्फर्ड दिस अवार्ड टू द ईस्ट जमशेदपुर एमएलए सरयू राय। तो इनका आंसर होगा तरुण भारत संघ। और इसको मैनेज कौन करते हैं, इसको मैनेज करते हैं जल पुरुष के नाम से, काफी फेमस है, इनका नाम है राजेंद्र सिंह।
तो जल पुरुष राजेंद्र सिंह के द्वारा एक संस्था चलाई जाती है जिसका नाम है तरुण भारत संघ। इन्होंने राजस्थान में एक ऑर्गेनाइज कराया फंक्शन, और इस फंक्शन में इन्होंने अरुण गांधी के द्वारा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन अवार्ड सरयू राय को दिया गया। अब मैं इलेक्शन कमीशन के बारे में बात करूं। रिसेंटली इलेक्शन वेयर हेल्ड इन दिसंबर 2019 इन झारखंड इन द फाइव फेजेस। तो इन्होंने एक ऐप लॉन्च किया, इस ऐप का नाम था सी विजिल ऐप। एक्चुअली ये ऐप क्यों लॉन्च किया, आचार संहिता को सुचारू रूप से लागू करने के लिए, टू इंश्योर द फ्री एंड फेयर इलेक्शन। सपोज दैट कि आप वोट देने के लिए गए, वीवीपैट मशीन नहीं काम कर रहा है, किसी तरह का मैप मिस हैपनिंग्स हो रहा है, प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो रहा है, कोई लोग गलत तरीके से वोटिंग कर रहे हैं, तो इफ यू हैव एनी सच कंप्लेंट्स यू कैन इमीडिएटली पुट फॉरवर्ड योर कंप्लेंट इन दिस एप्लीकेशन एंड इमीडिएटली एज अर्ली सिलेक्शन कमीशन विल बी टेक द कॉग्निजेंस ऑफ दैट इशू। तो कुछ भी आपका इशू होगा तो तुरंत उसको संज्ञान में लिया जाएगा इलेक्शन कमीशन के द्वारा। तो इस ऐप में आप कंप्लेन कर सकते हैं इफ यू आर सफरिंग एनी सच क्लेम्स। अब मैं इलेक्शन कमीशन की बात कर ही रहा हूं, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, तो ये है सुनील अरोरा। किसके द्वारा है, और दो इलेक्शन कमिश्नर है, एक है अशोक लवासा और दूसरे हैं सुशील चंद्रा। याद रखिएगा, दिस नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं सी विजिल ऐप भैया, तो एक और ऐप के बारे में बताता हूँ, JVNL ऐप। ये ऐप क्यों है, सो दिस ऐप हैज बीन मेड फॉर द पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल। अब किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड, जो कि झारखंड सरकार के द्वारा अधिकृत बिजली की कंपनी है, इसके द्वारा इलेक्ट्रिसिटी बिल के पेमेंट के लिए लॉन्च की गई है। तो ये बिल को किसने डेवलप किया, तो एक कंपनी है, उसका नाम है टेक प्रोसेस प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी ने इस बिल को, इस ऐप को, JVNL ऐप को डेवलप किया। अब मैं दूसरे क्वेश्चन के बारे में आता हूँ, दवाई दोस्त। एक्चुअली ये दवाई दोस्त क्या है, तो फिर से एक नॉन प्रॉफिट इनिशिएटिव है। ये है क्या, व्हाट इज दवाई दोस्त, सो इट इज टू प्रोवाइड ए वाइड रेंज ऑफ जेनरिक मेडिसिन। सो जेनरिक मेडिसिन को देने के लिए, जो कि बहुत सारे नामी कंपनियों द्वारा बनाया जाता है, इसे देने के लिए एक नॉन प्रॉफिट इनिशिएटिव बनाया गया प्रेम संसार बारोलिया ट्रस्ट के द्वारा, ताकि गरीबों को कम दाम में यह मेडिसिन उपलब्ध किया जा सके। और रांची में आज के समय में टोटल 17 आउटलेट्स हैं इसके। एक तरह से समझिए कि रिटेन मतलब चेन है, जैसे चेन होता है ना, तो एक मेडिसिनल शॉप का चेन है, जो किसके द्वारा इनिशिएटिव है, प्रेम सेनन बायरोलिया ट्रस्ट के द्वारा। ये क्यों किया गया है, तो जेनरिक दवाएं जो कि कम दाम में उपलब्ध होती है और सेम काम करता है, ताकि गरीबों को मुफ्त मीन्स अच्छे दामों में इलाज मिल सके, तो उसके लिए ये दवाई दोस्त की गई है। और मेनली ये स्टार्ट किया गया है रांची में, और इट इज सेट टू एक्सपेंड फर्दर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द झारखंड। एक नया सॉफ्टवेयर किया गया था इदी विद्यावानी, ये तो पहले किया गया था, लेकिन मैं इसके बारे में बता रहा हूं, तो इसे भी इंक्लूड कर दिया गया हूं। ये झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया था, क्यों, क्योंकि प्रॉपरली और टाइमली मॉनिटरिंग ऑफ द 40,000 गवर्नमेंट स्कूल्स, ई विद्यावानी हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय दी और लॉन्च बाय दी और ऑपरेटेड बाय दी झारखंड गवर्नमेंट। अब मैं एक और बात करता हूँ, ऑपरेशन अमन। ये एक्चुअली थे, एक्चुअली एक अमन श्रीवास्तव नाम के, ही वॉज गैंग मेंबर ऑफ द अमन श्रीवास्तव, हु वॉज वर्किंग, हु वॉज ऑपरेटिंग इन पलामू एंड चतरा, एंड ही वॉज एक्सट्रॉटिंग मनी फ्रॉम दी कोल ट्रेडर्स, और इसको हम लोग हिंदी में रंगदारी बोलते हैं सारे कोल ट्रेडर्स से। तो इनको फ्री और फेयर ट्रांसपेरेंसी लाने में कोल बिजनेस में और कोल ट्रेडर्स के अमंग में झारखंड पुलिस ने एक नया ऑपरेशन लॉन्च किया, जिसके तहत इन्होंने 11 मेंबर्स ऑफ अमन श्रीवास्तव है, दे हैव डिटेन दिस मेंबर्स एंड स्टॉप देयर एक्सटॉर्शन। ये जो कमेटी गठित की गई थी, ये SP रांची, SP लातेहार और SP हजारीबाग के द्वारा एक ज्वाइंट पुलिस की कमेटी, झारखंड पुलिस की कमेटी गठित की गई थी, जिसका एकमात्र उद्देश्य था इन सभी को डिटेन करना, एंड फाइनली दे हैव सक्सीडेड टू डिटेन देम एंड नाउ सो दैट की कोल ट्रांसपेरेंसी आए, कोल ट्रेडर्स को उनके बिजनेस मैसन को एक्सटॉर्शन और परेशान नहीं किया जाए। अब मैं बात करता हूँ खूंटी डिस्ट्रिक्ट के बारे में, तो ये सबको पता है, वेरी फेमस डिस्ट्रिक्ट, भगवान बिरसा का भी जन्म स्थान है यहाँ पर। अब मैं बात करूं यहाँ पे, इट हैज बीन सेलेक्टेड फॉर मिशन इंद्रधनुष इन जनवरी 2020। ये मिशन इंद्रधनुष क्या है, एक्चुअली एक ये मिशन इंद्रधनुष जो है एक हेल्थ मिशन है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो दिस हैज बीन लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली अफेयर्स। अब क्यों लॉन्च किया गया है, इट हैज बीन एम्स टू प्रोवाइड वैक्सीनेशन बोलो आप इसे, इसे वैक्सीनेशन मीन्स टीकाकरण, इसे आप करेक्ट कर लें और लिखेंगे फ्री वैक्सीनेशन दिया गया, मतलब 12 जो कठिन रोग हैं उनके अगेंस्ट में जो फ्री वैक्सीनेशन दिया जाएगा उस मिशन इंद्रधनुष के तहत दिया जाता है, चाहे वो मलेरिया हो, डिप्थेरिया हो, पोलियो हो, हेपेटाइटिस हो। सो दे आर प्रोवाइडिंग द फ्री वैक्सीनेशन टू द ऑल पुअर चिल्ड्रन सो दैट देयर लाइफ विल बी सेव्ड। अब कुछ MCQs हैं आपके समक्ष में, मैं उसको जल्दी जल्दी कर लेता हूँ। हाउ मेनी फास्ट ट्रैक कोर्ट्स आर सेट टू बी एस्टैब्लिश इन झारखंड अंडर पॉस्को एक्ट, द करेक्ट आंसर विल बी 22।
ना। सेकंड क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट रेसिपियंट ऑफ द चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड, ये हेमंत सोरेन को मिला है, सिबू सोरेन, जो कि मतलब फादर ऑफ हेमंत सोरेन, यू नो दैट ही वॉज द फॉर्मर फाउंडर मेंबर ऑफ जेएमएम, बाबूलाल मरांडी अपोजिशन लीडर, लीडर ऑफ अपोजिशन, ताला मरांडी ये साहिबगंज के बोरियो जो विधानसभा है वहां के विधायक रह चुके हैं, विधायक हैं बीजेपी के। तो आंसर इज हेमंत सोरेन। अब मैं सी विजिल ऐप, सी विजिल ऐप हैज बीन लॉन्च बाय द इलेक्शन कमीशन। अमाउंट गिवन अंडर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना इज, यू नो दैट इज 6000, ये नहीं है 3000 जो आपको पेंशन में दिया जाएगा, 5000 ये जो दिया जाए प्रति एकड़ पे, तो ये इसलिए कितना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंदर 6000 की अमाउंट घोषणा की गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन हैज बीन लॉन्च फॉर प्रोवाइडिंग इजी एक्सेस ऑफ जनरेटिंग मनी, तो आंसर होगा दवाई दोस्त। मिशन इंद्रधनुष तो टीकाकरण के लिए, ऑपरेशन अमन उसको नैब करने के लिए था, तो दवाई। दैट्स ऑल अबाउट द टुडेज क्लास। नेक्स्ट क्लास में करंट अफेयर्स के दूसरे सेगमेंट को लाऊंगा। अ फ्रेंड्स आई एम रियली वर्किंग हार्ड फार अवे फ्रॉम द इंडिया, मैं यहाँ प्रेजेंटली आदिसभा में हूँ, आपके लिए यहाँ पे बहुत सारा मेहनत कर रहा हूँ, सो प्लीज encourage me and subscribe my channel and give me your important feedback so that I can come up with the better things. Stay home, stay safe.